हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चर्पी ट्यूब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड कि आप साड़ी पे किस तरह की ज्वेलरी को पेयर करें। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी समवन हैं जो अपने साड़ियों के साथ ट्रेडिशनल गोल्डन ज्वेलरी या गोल्डन जंग ज्वेलरी पहनकर बोर हो चुके हैं और आप कुछ अलग हटके कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और अपने लुक्स को लेके बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को जो भी ज्वेलरी दिखाऊंगी वो आपके साड़ियों को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी और आपको एक बहुत ही एलिगेंट और क्लासी सी लुक देगी। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूंगी कि ये ज्वेलरी मैंने किस प्राइस पे और कहाँ से शॉप की, ताकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इजिली बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या है मेरे पास। तो जो मेरी सबसे पहली ज्वेलरी है फ्रेंड, वो एक स्टेटमेंट नेक पीस है, माँ दुर्गा स्टेटमेंट नेक पीस जो थ्रेड वर्क पे बनी हुई है। ये देखिए, ये वो नेक पीस है फ्रेंड, माँ दुर्गा का ये सिल्वर पेंडेंट है, सिल्वर ऑक्सीडाइज पेंडेंट, और ये इस पे घुंघरू लगी हुई है फ्रेंड, ये देखिए, और ये पूरा थ्रेड है, ये देखिए फ्रेंड। और यहाँ पे इसको टाई करने के लिए एक बटन सा भी दिया हुआ है, गोल सा, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। आप इससे इस नेक पीस को छोटा बड़ा अपने गले के अकॉर्डिंग कैसा भी कर सकते हैं। और ये आपके कॉटन हैंडलूम तांत की साड़ियों पे बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुली जाने वाली है। तो फ्रेंड, मैं इससे पहले अपनी एक वीडियो तांत की साड़ियों के हॉल पे कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो इसके साथ मुझे एक ईयरिंग का पेयर भी मिला है फ्रेंड, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ये वो ईयरिंग है फ्रेंड, ये देखिए, माँ दुर्गा बनी हुई है और ये सूप का ही एक पैटर्न है, जो दुर्गा पूजा पंडाल में इस तरह का सूप बनाया जाता है डेकोरेशन के लिए। तो ये बिल्कुल दुर्गा पूजा के लिए तो एकदम परफेक्ट पीस है, तो मैं इसे दुर्गा पूजा के पर्पज़ से ही मंगाई थी। तो ये जो मैं ली हूँ, ये इंस्टाग्राम पेज है हाउस ऑफ पेंडोरा, तो आप वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख लेते हैं दूसरा क्या है। तो फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है, ये एक वुडन प्रिंटेड थ्रेड नेक पीस है, ये देखिए, ये पूरे धागे का है और इसको आप अपने हिसाब से पीछे बांध सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसा है, इस पे एक बंगाली पोएम लिखी हुई है और एक बटरफ्लाई बनी हुई है। तो फ्रेंड, मैं इसे अपनी एक तांत की साड़ी के साथ पेयर की थी जिसपे ग्रीन बॉर्डर था और मैंगो येलो कलर की साड़ी थी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये अगर आप कॉटन हैंडलूम साड़ी पे पहनते हैं तो बहुत ही एक अच्छा सा लुक आने वाला है। तो ये दूसरा था, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड और क्या है। तो फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट पीस है वो भी एक स्टेटमेंट माँ दुर्गा नेक पीस ही है, ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ ऐसा है, इस पे ये कोड़ी, और इसको कोड़ी ही कहते हैं ना, कोड़ी, और ये त्रिशूल बनी हुई है और ये पूरे रुद्राक्ष लगे हुए हैं और नीचे माँ दुर्गा का सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड पेंडेंट है और इसमें भी आपको टाई करने के लिए दिया हुआ है, ये देखिए, आप इससे इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल नेक पीस फ्रेंड कुछ ऐसा है, ये देखिए। तो ये भी मैंने हाउस ऑफ पेंडोरा से ही परचेज किया था। तो अब जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, ये देखिए, ये एक सिल्वर नेक पीस है, ये ऐसी है, कुछ लॉन्ग सी है और एकदम साड़ियों पे आपके गले के बहुत नीचे तक आएगी और बहुत अच्छी सी है, इस पे भी ऐसी घुंघरू सी लगी हुई है। तो ये जो नेक पीस है, ये भी मैंने हाउस ऑफ पेंडोरा के सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे ही मुझे मिला था। तो ये एक नेक पीस है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो मेरी ज्वेलरी है, नेक पीस है, वो ये है ऑरेंज कलर की, ये देखिए फ्रेंड, और ये जो है ये कुछ स्टोन सी लगी हुई है इस पे और ये बीट्स लगे हुए हैं और बीच बीच में गोल्डन का ये वर्क किया हुआ है और ये इसके पेंडेंट कुछ ऐसी है और यहाँ पे इसके हुक्स दिए हुए हैं टाइट करने के लिए। तो ये जो नेक पीस है, ये मैंने अपने होम टाउन बंगाल से लिया था, तो मुझे इसकी प्राइस तो ठीक से याद नहीं, पर 200 के अंदर ही थे। तो जितनी भी ज्वेलरी पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक के ही होंगे, उससे ज़्यादा के कोई नहीं है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है।
मेरा नेक्स्ट जो नेक पीस है वो ये है फ्रेंड, रेड कलर की पेंडेंट है और ये बीट्स लगी हुई है इस पे। तो ये जो नेक पीस है ये जयपुरी बीट्स नेक पीस है। तो जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे मुझे एक लोकल शॉप पे ऐसे जयपुर के हैंडमेड नेक पीसेस और ज्वेलरी मिल रही थी, तो मैंने वहाँ से बाय की थी, मुझे 150 की मिली थी। तो फ्रेंड हर शहर में ऐसे एक ना एक स्ट्रीट शॉप मार्केट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो लेडीज़ के लिए बहुत ही पॉपुलर होते हैं मार्केटिंग के लिए, और जहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली का सरोजनी नगर, लखनऊ का अमीनाबाद और बनारस का दाल मंडी और गदौलिया का इलाका। तो ऐसे हर एक शहर में एक ना एक मार्केट्स होते हैं, तो आपकी सिटी में भी ऐसे कोई मार्केट्स ज़रूर होंगे, तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्या है। तो जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो ये येलो कलर की है, ये भी जयपुरी बिट्स की ही है और उसी शॉप से मैंने ली थी सेम प्राइस पे 150 की। ये देखिए फ्रेंड, इस पे ये पेंडेंट है और इसका बैक कुछ ऐसा है। ये सारी ज्वेलरी एकदम लो मेंटेनेंस है, ना इसके कलर फेड करते हैं और ना आप इसको इसको पहनने के लिए आपको बहुत कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है, बहुत लाइट वेट से हैं। तो ये ज्वेलरी आपके लिए बहुत परफेक्ट होगी अगर आप साड़ी में साड़ी पहनते हैं या साड़ियों पे कभी इस तरीके का ज्वेलरी जंग ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, वो भी कुछ अलग हटके, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये है एक, और देख लेते हैं ये एक नेक पीस है फ्रेंड, ये ब्राउन कलर से है और ये वुडन बीट्स हैं, ये सारे वुडन बीट्स हैं इस पे। तो ये सारे ऊट की बनी हुई हैं और ये गोल गोल सी मोतियों सी है और इसका पेंडेंट कुछ ऐसा है, मेटालिक सा है। और ये जो मैंने लिया था ये मैं विशाल मेगा मार्ट से ली थी, तो ये मुझे 249 की मिली थी, इस पर प्राइस भी लिखी हुई है। ये देखिए फ्रेंड, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है फ्रेंड। ये मेरा नेक्स्ट नेक पीस है, ये देखिए, ये रेड वाइट और पर्पल कलर से हैं और ये सारे वुडन हैं, ये भी मैंने विशाल मेगा मार्ट से ही ली थी, तो ये भी कुछ डिस्काउंट के बाद 200 समथिंग का ही मिला था मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसके पेंडेंट छोटी सी है। फिर जो मेरी अगली है वो येलो कलर की है, ये भी मुझे जयपुरी शॉप से मिली थी, ज्वेलरी शॉप से। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरी मोतियों की क्या कहूँ, इसे क्या कह सकते हैं, छोटी छोटी मोतियों की गुच्छ सी लगी हुई है और ये इसका पेंडेंट है और यहाँ पे इसका टाई करने का दिया हुआ है। तो ये है। अब नेक्स्ट जो मेरी ज्वेलरी है फ्रेंड, ये भी माँ दुर्गा सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड पेंडेंट के साथ है, ये देखिए, और इसमें रेड कलर की थ्रेड है लगी हुई, ये थ्रेड पे पूरा ये बिट्स लगा हुआ है मेटल का, सिल्वर का, और ये माँ दुर्गा बनी हुई है इस पे, और इस पे भी ये आपको टाई करने के लिए मोती सी दी हुई है, तो आप इसको छोटा बड़ा अपने साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये ऐसी है। और ये जो ज्वेलरी मैंने बाय की है फ्रेंड, ये मैंने अमेजोन से 350 की बाय की है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले सकते हैं। इसके साथ मुझे वन पेयर इयररिंग की भी मिली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इयररिंग मुझे रिसीव हुई है और इसकी क्वालिटी की बात करूं तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं चूंकि थोड़ा डर रही थी कि मैं ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज नहीं करती ज़्यादा तो कैसी होगी, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ, इसका कलर भी फेड नहीं हुआ। तो ये ऐसी है। ये एक तिब्बतियन नेक पीस है फ्रेंड, ये मैंने लोकल शॉप से ही ली है। ये भी साड़ी पे आप अगर कुछ बहुत लाइट सा पहनना चाहते हैं तो आप इसको पहन सकते हैं, कुछ खास तो नहीं है, ये बस ऐसे ही है। इसको तिब्बतियन नेक पीस कहते हैं, ये जो पेंडेंट है ये तिब्बतियन पेंडेंट है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट पीस ये है, ये रेड कलर का थ्रेड है और इस पर एक छोटी सी पेंडेंट लगी है, ये भी बहुत ही लाइट वेट है और बहुत, जैसे आपको कुछ डालने का मन नहीं कर रहा तो आप इसको डाल सकते हैं। तो ये भी मुझे हाउस ऑफ पेंडोरा से ही मैंने लिया है फ्रेंड। ये देखिए जो मेरा नेक्स्ट पीस है, ये इसकी पेंडेंट है, ये सारे वुडन बीट्स हैं और ये हैंडमेड है फ्रेंड। ये मैं आपको बता दूं, मैं बनारस गई थी तो ये मैंने बनारस से ली है, तो बनारस में इस तरह के बीट्स के काम किए जाते हैं, हैंडमेड होते हैं ये चीज़ें,
तो आपको बनारस में बहुत इजीली मिलेगी फ्रेंड। तो अगर आप बनारस जा रहे हैं या बनारस से हैं तो आपको तो पता ही होगा, तो जो बनारस में दशाश्वमेध घाट है वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ आपको कुछ ऐसे शॉप्स तो नहीं कहूँगी उसको, सीढ़ियों पे ऐसी दुकानें लगाई होती हैं कुछ औरतों ने, तो वहाँ पे आपको इस तरह के बीट्स की ज्वेलरी बहुत ईजिली मिल जाएगी। और जब आप दशाश्वमेध घाट से ऊपर की ओर आते हैं तो गदौलिया का जो एरिया है वहाँ भी ऐसे बीट्स की बहुत शॉप आपको मिलेंगी, छोटी बड़ी। और एक अच्छी शॉप की नाम बताऊँ तो रीता बीट्स, एक बीट्स की शॉप है, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलेंगी, 100 रुपीज़ की ही होंगी। तो ये मेरी बनारस से लाई हुई पहली ज्वेलरी है, और दिखाती हूँ आपको फ्रेंड। ये देखिए, ये मेरा दूसरा नेक पीस है, ये भी बनारस का ही है, ये भी बीट्स का ही है, ये देखिए कुछ ऐसा है। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा नेक्स्ट पीस है, इसकी पेंडेंट ऐसी है, और ये सब वुडन हैंडमेड ज्वेलरी हैं जो बनारस में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, तो अगर आप बनारस जा रहे हैं और लेना चाहते हैं, इस तरह की ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं। और सबकी मैक्सिमम प्राइस अगर होगी इन ज्वेलरी की, इन नेक पीसेस की, तो 100 रुपीज़ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो आप बार्गेनिंग करके भी ले सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट नेक पीस मेरा ये है, ये देखिए, ये कुछ ऐसी है। ये तो स्टोन है, ये प्योर स्टोन है फ्रेंड, और ये सारे वुडन बीट्स हैं, और ये छोटी छोटी सी मोतियां हैं, और ये भी बीट्स हैं, वुडन बीट्स हैं ये भी। तो फ्रेंड ये है, और एक जो है फ्रेंड वो ये है, ये भी बनारस की है, ये देखिए फ्रेंड, ये येलो कलर की है, ये भी वुडन बीट्स हैं, ये बनारस से लिया है मैंने, ये कुछ ऐसा होती है, ये देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट है ये बहुत ही लाइट वेटेड है, अगर आप इसे साड़ी पे पहनना चाहें तो साड़ी पे, कुर्तियों पे, ये तो किसी पे भी इजीली चली जाएंगी। ये भी पूरी बीट्स की हैं, और इस पे ना कुछ प्रिंट सी की हुई है, ये पत्थर वाली बीट्स हैं, ये पत्थरों की बीट्स हैं, ये देखिए इस पे ओम लिखा हुआ है इसके पेंडेंट पे, और ये शिव जी की नगरी से है, तो ये बनारस से है, तो यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये 30 या 40 रुपीज़ की मुझे मिली थी, तो ये कुछ ऐसा है। अब जो नेक्स्ट है फ्रेंड, ये भी स्टोन का ही बीट्स है, और ये कुछ ऐसा है, ये देखिए फ्रेंड, ये इसकी पेंडेंट है, और इस पे मरून कलर से कुछ ऐसा वर्क है, और ये ऐसा है, ये भी बनारस का ही है। तो बनारस की बस यही ज्वेलरी है बीट्स की, और आगे और दिखाती हूँ क्या क्या है मेरे पास। ये देखिए फ्रेंड, ये एक ब्लैक कलर की मोतियों की नेक पीस है, तो ये एक सिंपल सा है, पर अगर आप इसे साड़ी पे पहनते हैं तो ये आपकी साड़ी पे बहुत अच्छे से जाने वाली है, और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मैं इसे अपने 2-3 साड़ियों पे पहन चुकी हूँ, तो ये सारे ज्वेलरी जो हैं इनको मेंटेनेंस करने के लिए आपको बहुत अधिक परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजिली स्टोर करके कहीं भी रख सकते हैं। तो ये मोतियों की है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए, ये मेरा नेक्स्ट पीस है, और ये जो नेक पीस है ये मैंने आसमा ज्वेलरी करके ना, एक ब्रांड है ज्वेलरी की, जो लेदर वर्ल्ड की अपनी ब्रांड है, जो लेदर वर्ल्ड जूते चप्पलों की ब्रांड है, उसकी अपनी एक ब्रांड है ज्वेलरी की, आसमा ज्वेलरी। अगर आपके शहर में भी है तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके, वहाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है, ऐसी डिफरेंट ज्वेलरी। तो मुझे तो फ्रेंड एंटिक ज्वेलरी बहुत पसंद आते हैं, तो ये सारी ज्वेलरी मुझे कलेक्ट करने का, पहनने का बहुत शौक है, मैं पहनती भी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी ज्वेलरी है, तो ये मल्टी कलर के बीट्स से है, और ज़्यादा जो इसमें नोटिस हो रही है वो ग्रीन या ब्लू है, और इसमें मोर के पंख सा कुछ बना हुआ है पेंडेंट में, और यहाँ पर गोल्ड सा है, और यहाँ भी टाई करने का दिया हुआ है, तो आप इसको ईजिली पहन सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है फ्रेंड। ये देखिए, ये भी आसमा ज्वेलरी की शॉप से मैंने ली है, ये एक ज्वेलरी पीस है। तो फ्रेंड ये जो है ना, ये स्टोन है, ये ओरिजिनल कोई स्टोन है, इसकी वेट भी है, और ये प्लास्टिक नहीं है, रियल स्टोन है, और ये मोतियों की माला है, और यहाँ पे ऐसे मोतियों से ही टाई की हुई है,
और ऐसे यहाँ पे टाई करने के लिए हुक्स दिए हुए हैं, तो ये भी थोड़ी लॉन्ग में आएगी और साड़ियों पे पहनी हुई बहुत प्यारी लगेगी। ये भी आसमा ज्वेलरी की है फ्रेंड। जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है, ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ ऐसी है, ये देखिए, ये कुछ ऐसी नेक पीस है। आप इसे इस तरीके से गले में पहन सकते हैं, मैं इसे इसी तरह से पहनती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है और ये भी मोतियों की है, ऑरेंज कलर की है। और यहाँ पे इसको क्या कहें, ये प्लास्टिक की कुछ डिज़ाइनिंग है या पेंडेंट है और ये सारी मोतियाँ लगी हुई हैं। ये भी अगेन आसमा ज्वेलरी से है। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है फ्रेंड, ये मुझे बहुत पसंद है और आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिख रही है। ये भी आसमा ज्वेलरी की है। इसमें इतने दूर तक ग्रीन कलर, फिर डार्क ग्रीन, फिर सी ग्रीन, मतलब ग्रीन के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, जो इस नेक पीस की बहुत ही एक ब्यूटी कह लूँगी कि इसमें ग्रीन के ही डिफरेंट शेड्स यूज़ किए गए हैं। और मैंने इसे अपने बीबा के सूट्स के साथ भी पहना है, साड़ियों के साथ भी पहना है, तो ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। और यहाँ पे टाई करने का ऑप्शन है, आप बड़ा छोटा जैसे चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये वो नेक पीस है फ्रेंड। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड क्या है। फ्रेंड ये है मेरा नेक्स्ट नेक पीस जो ग्रे कलर में है। ये थोड़ी उलझ गई है, ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ ऐसी है। ये पूरी मोतियों की है और ये सारी मोतियाँ इतनी अच्छी हैं कि ये काफ़ी पहले मैंने ली हुई हैं, पर ये अभी तक इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ। और ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से ली हुई है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि रिलायंस ट्रेंड में भी बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरियों का कलेक्शन होता है, तो अगर आप अच्छी ज्वेलरियों पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिलायंस ट्रेंड की ज्वेलरी पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज्वेलरी थोड़ी प्राइसी आपको लग सकती है पर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। तो ये है, तो अगला देखते हैं फ्रेंड। ये है मेरा नेक्स्ट ज्वेलरी पीस, ये देखिए कुछ ऐसी है। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ ऐसी है। क्या आप इसे ऐसे पहन सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये भी रिलायंस ट्रेंड की है। ये इस पर बिट सी बनी हुई है और ये मेटालिक सिल्वर कुछ कह सकते हैं, ये ब्लैक कलर की चेन सी है और ये भी साड़ियों के साथ पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये थी। अब जो मेरा नेक्स्ट है फ्रेंड, ये पर्ल की डबल लेयर चेन है। ये भी अगेन रिलायंस ट्रेंड से है, ये देखिए, और इनकी पर्ल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये देखिए फ्रेंड। और ये 200 के अंदर ही मुझे मिली थी, मुझे ठीक से प्राइस याद नहीं है। तो आप भी अगर चाहते हैं इस तरह की ज्वेलरी लेना तो आप अपने शहर में, आपकी सिटी में जो भी रिलायंस ट्रेंड है आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये पर्ल की नेक पीस तो बहुत वर्सेटाइल है, आप अपने मैक्सिमम ड्रेस के साथ इसे पहन सकते हैं, सिर्फ साड़ियों के साथ नहीं, बहुत तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो ये थी। मेरा जो आखिरी नेक पीस है फ्रेंड वो ये है, पॉम पॉम सेट्स हैं ये नेक पीस, ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ ऐसी है। ग्रीन कलर की पॉम पॉम्स लगी हुई हैं इसमें, डबल लेयर्ड चेन है, ये इसका बिग पेंडेंट है, ये स्मॉल पेंडेंट है। और ये जो ज्वेलरी है फ्रेंड, ये मुझे ओरना बॉक्स के किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ही मिला था, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप इसे भी किसी साड़ी के साथ पहन के मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड बस यही कुछ ज्वेलरी थी मेरे पास जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इस तरह की ज्वेलरी में अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।